नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं बवासीर भगंदर क्लिनिक, सिन्हा भवन, शॉप नंबर 11, निर्मल महतो पथ, टाटा कांड्रा मेन रोड, छोटा गमरिया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रशासन ने जनता को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए शपथ। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उत्सव सा वातावरण, तिरंगों से पटे बाजार। आजाद नगर में प्रॉपर्टी को लेकर एक ही परिवार के लोग हुए एक दूसरे के खून के प्यासे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाली तिरंगा यात्रा। और मेहरबाई कैंसर अस्पताल का मेडिकल वेस्ट सड़कों पर, बीमारियों को खुला न्योता, स्थानीय लोगों ने जताई आपत्ति। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर जिला प्रशासन ने मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने की शपथ ली। जिला पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर जिला प्रशासन द्वारा मतदान के प्रति सभी को जागरूक करने की शपथ ली गई। जिला मुख्यालय सभागार एवं जिला मुख्यालय दोनों ही स्थानों पर तमाम अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस दौरान शपथ ली। जिला पुलिस मुख्यालय में इस दौरान जिला पुलिस कप्तान डॉक्टर एम तमिलवानन के अगुवाई में तमाम वरीय अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों ने इस दौरान मतदान एवं उसके प्रति जागरूक करने की शपथ ली। जिला पुलिस कप्तान ने कहा कि मतदान प्रत्येक देशवासी का अधिकार एवं कर्तव्य है और जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर इस कर्तव्य को सभी को निभाना चाहिए। शपथ ग्रहण के माध्यम से तमाम पुलिस जवान खुद मतदान के प्रति जागरूक रहकर दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की जानकारी ली गई। निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय अथवा भाषा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पूरे देश में हम लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना है कि मतदाता कितने इम्पोर्टेंट है और अपना वोट जो है बहुमूल्य है और ये निष्पक्ष रूप से हम लोगों को बिना जात धर्म वर्ग इसके बिना हम लोग उसमें अपने मतदाता को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। और ये मतदाता हम लोग अपने समय में अपने जब मौका मिलता है उसको हम लोग देने पे लोकतंत्र मजबूत होती है और हम लोगों को भी अपना उसमें डेमोक्रेसी में हम लोग का भी उसमें शेयर रहता है। 73वें गणतंत्र दिवस की धूम नजर आने लगी है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बाजार तिरंगों से पटे पड़े हैं। लोग बड़े शौक से खरीदारी भी कर रहे हैं। बाजारों में 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के तिरंगे उपलब्ध हैं। गणतंत्र दिवस से पूर्व तमाम बाजार तिरंगों से पटे दिखे। चारों ओर बाजार में केवल तिरंगा झंडा ही दिखाई दे रहे थे। 25 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के तिरंगे झंडे बाजारों में उपलब्ध है। वैसे हर वर्ष गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडों की खूब बिक्री होती है। इस बार भी गणतंत्र दिवस के पूर्व बेला पर एक से बढ़कर एक झंडे बाजारों में नजर आए, जहां बैच ब्रेसलेट छोटे झंडों से लेकर बड़े झंडों तक। दुकानदारों के अनुसार 25 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के झंडे उपलब्ध है, जिनकी खरीदारी लोग बढ़ चढ़ कर रहे हैं। एक रेड हमको चाहिए था। साफ ये पहले ये वाली यूज होती थी, खादी वाली, अभी एक नया कपड़ा है वो ज्यादा मांग है। सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद कर रहे हैं लोग? क्या चीज पसंद कर रहे हैं लोग ज्यादा? तो वही सिल्क वाला पसंद करे, क्योंकि उधर आजाद नगर थाना अंतर्गत ओल्ड पुरुलिया रोड में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में जमकर जूतम पैजार और मारपीट हुई, जिसमें दो महिलाओं और बच्चे समेत आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। आजाद नगर थाना अंतर्गत ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 15 में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान नरगिस मानो नामक महिला एवं उसके भाई महबूब आलम और बच्चों को महिला के जेठ सलीम, उनके बेटे असलम,
साली और सोनी ने मारपीट कर कथित रूप से घायल कर दिया। सभी घायलों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में घायल नरगिस बानो ने बताया कि उसका पारिवारिक विवाद कई दिनों से चला आ रहा है। इस बीच आज सुबह जेठ सलीम उनके पुत्र और साथियों ने जानलेवा हमला किया। वो लोग बैठे हुए थे बाहर में मेरे बहनोई और उनके दोस्त लोग, इतने में सलीम भाई की साली आई और आकर के मेरे बहनों को गाली गलौज करने लगी। तब तक बगल घर में उनकी एक और बहन रहती थी, वो भी आ गई और आकर के गाली गलौज करने लगी, जिसमें मेरी बहन जब उनको पूछने लगी कि क्या हुआ क्या बात है, वो दोनों मिल करके मेरी बहन को मारी है। जिला मुख्यालय सभागार में ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव राम कुमार सिन्हा ने सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की। जिला मुख्यालय सभागार में ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव राम कुमार सिन्हा ने जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों संग बैठक कर ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं की समीक्षा की, जहां बैठक के बाद विभागीय सचिव ने जिले में संचालित हो रहे सभी योजनाओं पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि सभी विभाग जिले के ग्रामीण इलाकों के विकास से बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बैठक से पूर्व उन्होंने कल और आज अलग अलग प्रखंडों में चल कर रहे विकास योजनाओं का भौतिक सत्यापन भी किया है। किस चीज़ में बहुत अच्छी रही और इस जिला का परफॉर्मेंस मेरी समझ से लगभग हर एक योजना में बहुत ही अच्छा, इन कंपेरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स यह जिला बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि मेरे आने के बाद इन लोगों में और उत्साह बढ़ा होगा और ये और अच्छा परफॉर्मेंस। किन चीज़ों को लेकर बैठक हुई है? ग्रामीण ओवरऑल जितनी भी ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं हैं। झारखंड सरकार ने JSSC के माध्यम से पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक स्तर के लिए 2017 में निकाली गई भर्ती निविदा को रद्द कर दिया है। इसको लेकर छात्र आजसू ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। झारखंड सरकार ने JSCA के माध्यम से पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक स्तर के मई 2017 में निकाली गई भर्ती निविदा को रद्द कर दिया है। इसको लेकर छात्र आजसू आक्रोशित है। मंगलवार को छात्र आजसू का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंचा। जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से छात्र नेता हेमंत पाठक ने बताया कि पूर्व की सरकार द्वारा निकाली गई निविदा के आलोक में राज्य भर के 4,948 छात्रों ने चयन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नियोजन की बाट जो रहे हैं। अचानक वर्तमान सरकार ने निविदा को रद्द कर दिया है। पूर्व सरकार सत्तासीन सरकार 2017 में पंचायत सचिव का एक परीक्षा आयोजन की थी, परीक्षा हुआ, परीक्षा का रिजल्ट भी आया, परंतु सारे प्रक्रिया से गुजरने के बाद हेमंत सोरेन जी ने भी कहा था अपने चुनावी प्रचार में कि जो लोग परीक्षा दिए हैं उन सभी को नियुक्ति पत्र हम लोग देंगे, परंतु 5 साल के बाद झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने वह सारे परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। उन्होंने देशभक्ति की जोत जलाते हुए भारत माता की जयकारे लगाते हुए देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने का संकल्प लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा गणतंत्र दिवस के पूर्व बेला को जिले के तमाम सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां सभी ने भारत माता के जयकारे लगाते हुए देश की एकता और अखंडता का बरकरार रखने का संकल्प लिया। जिले के 28 मंडलों में ये यात्रा निकाली गई। बाइक रैली के माध्यम से तिरंगा यात्रा तमाम मूल के नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान भाजपाइयों ने कहा कि अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। हम लोग आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग एक अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और आज कल गणतंत्र दिवस के अवसर के पूर्व संध्या हम आज बताइए पूरे जमशेदपुर महानगर में प्रदेश नेतृत्व के आदेश अनुसार हम लोग आज तिरंगा यात्रा निकाले हैं। भारतीय मजदूर संघ ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा है, जिसमें मजदूरों की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने की मांग की गई है। क्या मांग है मुख्य? जिसमें जो ज्ञापन जो 26 अक्टूबर 2021 को सौंपा गया था उसी पर पुनः हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं और इसमें मुख्य मांग है जिसमें सहिया साथी कर्मचारियों को
राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, उनका जो वेतनमान बढ़ाया जाए, सैया सह साथी को जो प्रोत्साहन राशि 2007-08 के अनुसार ही मिल रहा है उसको प्रोत्साहन राशि को तिरगुना किया जाए। मेहर भाई अस्पताल यानी कैंसर अस्पताल के मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंके जाने का विरोध स्थानीय लोगों ने करना आरंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों को संक्रमित होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। मेहर भाई टाटा कैंसर अस्पताल के मेडिकल वेस्ट बाहर खुले में सड़कों पर फेंक दिए जा रहे हैं। ये अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही ही है। मेडिकल वेस्ट से लोग संक्रमित हो सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा इन मेडिकल वेस्ट को नष्ट करने का प्रावधान है। अस्पताल प्रबंधन न केवल सरकारी निर्देशों की अवहेलना कर रहा है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहा है। इससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। क्या है? मेहर भाई अस्पताल है, हॉस्पिटल है, जिसको कैंसर अस्पताल भी बोलते हैं। यहाँ का जो डस्टबिन का जो उसका डस्ट है, माने जो भी बैंडेज ड्रेसिंग वगैरह ये सब सारा हैंड ग्लव्स ये वो मास्क सब ला के सारा कचरा ये डस्टबिन यहाँ रखा हुआ उसके सामने में वहाँ पे सब बाहर में ढाल देता है। और ये बाहर में ढालने से कितना तरह का प्रॉब्लम अभी COVID-19 का वक्त है, इंसान को सब देखना चाहिए। ये हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है ये वेस्ट चीज़ फेंका जाता है गमरिया में, एक हमारे झारखंड सरकार ने बनाया है वहाँ पर फेंका जाता है। हमने अभी TMH के कोने में भी लड़ाई किया चिमनी के लिए, उसमें भी पूरा बंद किया गया है, लोग सब फिर ले जाके वहाँ फेंकते हैं गमरिया में TMH का वेस्ट। और ये कैंसर अस्पताल वाले वेस्ट जो है अपना ला के यहाँ पे डाल दे रहे हैं रोड के किनारे में। यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर की तरफ से सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के साथ साथ तमाम झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामना है। और गणतंत्र को बचाने के लिए मेरा अपील है कि तत्पर रहें और तत्पर होकर के देश की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें और आम जनता की रक्षा करें। इनके हिफाजत में ही सबकी हिफाजत है। धन्यवाद। रॉयल्स हिल्स होटल्स एंड रिसोर्ट की ओर से 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों, झारखंड वासियों और जमशेदपुर वासियों को साउथ पॉइंट स्कूल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों, वीर बलिदानियों को कोटि कोटि नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। बवासीर भगंदर क्लिनिक, कैंसर से बचिए। क्या आपको बवासीर भगंदर है? तो मत घबराइए, तुरंत जांच करवाइए, बिना ऑपरेशन इलाज पाइए। केवल 20 दिनों में जीवन भर की गारंटी के साथ इलाज संभव। बिना ऑपरेशन, जड़ से गारंटेड इलाज। वादी हो या खूनी, भगंदर या नासूर, इन सभी रोगों का शार सूत्र द्वारा इलाज। बवासीर के अलावा फिशर, दर्द, हाथ पांव में कमजोरी, कब्ज जैसी हर बीमारियों का बिना ऑपरेशन इलाज कराएं। 100% सेटिस्फैक्शन के साथ बवासीर भगंदर क्लिनिक, सिन्हा भवन, शॉप नंबर 11, निर्मल महतो पथ, टाटा कांड्रा मेन रोड, छोटा गमरिया। कॉन्टैक्ट 9304275723। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने, अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियां, कांच की फैंसी चूड़ियां, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड।
Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर ए, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271-99046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे कैटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफायती और लजीज चाइनीज व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ। इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस? डटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन, CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन,
उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स, गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी, स्पेशलिस्ट इन केक्स एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी, स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटीज, केक, कुकी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक। All types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.